देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे क्या चल रहा है ये? मुहूर्त निकलता जा रहा है, शादी करवानी है या नहीं? गुरुजी, थोड़ा रुकिए ना। मुहूर्त को मजाक समझ के रखा है क्या? नहीं रुक सकता। शादी को मजाक समझते हैं ये लोग, अभी से इतना नाटक कर रही है। शादी होने के बाद ना जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। क्या कुछ भी बोलने जा रही है, जरा अपनी जुबान को लगाम तो लगाओ। हम नहीं आए थे अपनी बेटी का रिश्ता तेरे बेटे से जोड़ने के लिए। मेरा वो मतलब नहीं था आई, अब आप ही बताइए ना, कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। कौन से देश की रानी है रे तू? बढ़िया ये रहा देखने वाली, अब ज्यादा बात करेगी ना तो नाता तोड़ दूंगी। जरा सोच कर बोलिए, नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ निकल जा। टोनी जरा इनको रास्ता दिखा दे। ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप जरा शांत हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। पहले इनको शांत रहने को कहो। मुझे चुप कराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। देखो जरा क्या कह रही है ये, शादी तोड़ने की बात कर रही है। ऐसी बात है ना तो अभी बता दो। आई चुप हो जाओ वरना सर पटक कर जान दे दूंगा मैं। असुमा आप चलिए मेरे साथ, चलिए। ए छोड़, बड़ा है मुझे सिखाने वाला, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। देखिए सासुमा की बातों का बुरा मत मानिए, बुढ़ापे की वजह से ऐसा करती हैं वो। अब आप बैठिए ना, बैठिए। हाँ बैठ जाती हूँ, लेकिन अगले 5 मिनट के अंदर लड़की यहाँ दिखनी चाहिए। बस कह देती हूँ मैं, जाइए लड़की को लेकर आइए, जाइए। हाँ सुनिए, अब हम क्या करें, डिंपल को कहाँ ढूंढेंगे हम? चलो देखते। अच्छा मैं अभी आती हूँ। कितना पसीना आया है आपको, लीजिए पसीना पोछ लीजिए। आपका रुमाल गंदा हो गया है ना, लीजिए मेरे रुमाल से ही पोछ लीजिए, लीजिए ना पोछ लीजिए। डॉक्टर आप झूठे इंसान हैं, वो मुझे पता था, लेकिन खून भी कर सकते हैं ये मैंने सोचा नहीं था। ए, ये क्या बक रही हो तुम? पसीना पोछ लीजिए डॉक्टर। डॉक्टर हूँ मैं, गांव वाले भगवान समझते हैं मुझे। मैं सारी बातें जानती हूँ डॉक्टर, आपके और रेशमा के बीच में क्या चल रहा था। जब आपको और रेशमा को मैंने एक साथ देखा था ना, तभी मुझे सब पता चल गया था कि आप दोनों का क्या चल रहा है। वो तो बस मैंने पेशेंट का धैर्य बढ़ाने के लिए। इस तरह पेशेंट को बाहों में कौन लेता है डॉक्टर, वो सिर्फ पिक्चरों में होता है, जादू की झप्पी। लेकिन आपने उसे दवा खाने में भी गले लगाया था, और तो और घर में भी गले लगाया। मैंने तो बस इतना ही देखा है। और जब वो शादी के लिए पीछे पड़ गई तो आपने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कुछ भी क्या बोल रही हो तुम, जो मुंह में आए बोलोगी। डॉक्टर रेशमा भाभी की बॉडी मैंने ही छुपाई है, बचा लिया आपको मैंने। कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलिए, आपको मुझे भी मार डालने का मन कर रहा है ना। लेकिन कितना भी सोचेंगे ना, आप मुझे कभी मार ही नहीं पाओगे। कहाँ छिपाई है उसकी बॉडी? है, एकदम सुरक्षित है। और जब तक आप मुझे मुंह खोलने पर मजबूर नहीं कर देते हैं ना, इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा कि रेशमा भाभी की डेड बॉडी कहाँ पर है। और आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मेरा मुंह कैसे बंद किया जा सकता है। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे तो मुझे चाहिए ही आपसे, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा।
वक्त मेरी शादी तोड़नी होगी। और अगर ये काम आपने नहीं किया ना, तो आप तो जानते ही हैं कि डिंपल क्या कर सकती है। वैसे तो आप काफी समझदार हैं डॉक्टर, लेकिन फिर भी। अच्छा चलिए, आपके पास समय भी कम है, मेरी शादी भी तोड़नी है, चलिए जल्दी चलिए, इंतजार रहेगा आपका। मैंने तो पहले ही आगाह किया था कि लड़की की तरफ ध्यान दो, लेकिन नहीं। मेरा बोलना अच्छा नहीं लग रहा था ना उस वक्त, लेकिन आपकी भलाई के लिए ही कह रही थी, ये नहीं समझ पाए आप। अब क्या फायदा? पापा, मम्मी, दीदी आ गई। कहाँ चली गई थी तू बेटा? माँ बाप की इज्जत के बारे में तो सोचती, लेकिन ऐसे बिना बताए किसी की शादी करवाते हैं क्या? और शादी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं यहाँ से भाग गई। उसमें डरने की क्या बात है? लाखों में एक रिश्ता ढूंढ कर लाए हैं मेरे पति, हमारी इज्जत का तो सोचना चाहिए था ना। तो इस बात के लिए हम पीछे पड़े थे क्या कि रिश्ता लेकर आइए? अब मैं आ गई हूँ ना, तो यहाँ पर बस चुपचाप से बैठिए। बड़ी आई है मेरी इज्जत की फिक्र करने वाली, जाइए अपना काम कीजिए आप। डिंपल। मम्मी, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, तब तक आप मेरी शादी की तैयारी कीजिए। इस पागल लड़की को ही ये सब पता चलना था। उसने बॉडी कहाँ छुपाई है ये अगर मालूम होता तो उसे पता चल चुका है। अब बस वो किसी और को कुछ ना बताए, एहतियात बरतना होगा। डॉक्टर, एक बार वो बॉडी मेरे हाथ लग जाए फिर। रेशमा भाभी की बॉडी मैंने ही छुपाई है, बचा लिया आपको मैंने। पैसे तो मुझे चाहिए ही आपसे, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा, मेरी शादी तोड़नी होगी। शादी तोड़नी पड़ेगी, कुछ भी करके ये शादी तोड़नी ही पड़ेगी। शादी तोड़ने के लिए क्या करूं? तोड़नी तो पड़ेगी, नहीं तो। पंडित जी, शुरू कीजिए। अब तो मुहूर्त बीत गया। पंडित जी, थोड़ी दक्षिणा ज्यादा ले लीजिए, लेकिन शुरू तो कीजिए। रुकिए पंडित जी, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते ना, तब तक कोई भी शादी की शुरुआत नहीं होगी यहाँ। ये सब सुबह से क्या लगा रखा है? हाँ, एक तो लड़की इतना देर से मंडप में आई है, और अभी आई भी कह रही थी कि शादी तोड़ दो, और अब ये लड़की कह रही है कि इसे डॉक्टर साहब चाहिए। सुबह से क्या टाइम पास लगा रखा है आप लोगों ने? अभी इसे डॉक्टर किस लिए चाहिए? इसे बड़ा लगाव है उनसे। बस लगाव ही है ना? नहीं, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। आ गए, डॉक्टर आ गए। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को रुकना पड़ा। इतना ही लगाव है तो शादी में वक्त पे आना चाहिए, समझे आप? आप होंगे बड़े डॉक्टर, लेकिन लड़के वालों की भी कोई इज्जत है कि नहीं? ये क्या है डिंपल? मेरे लिए रुकने को किसने कहा था तुम्हें? मैं जानता हूँ मेरे बगैर तुम रह नहीं सकती, मुझसे बड़ा लगाव है तुम्हें। अब कल शादी हो जाएगी, तब क्या करोगी तुम? माफ कीजिएगा मुझे, मेरी वजह से खामखा मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? वो मेहमान है हमारे, मेरी वजह से तकलीफ हुई है उन्हें। कहो तो आपके भी पैर पकड़ता हूँ।
अरे अरे नहीं नहीं रहने दीजिए, मत कर। अगर डिंपल को परेशान किया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अगर नौटंकी खत्म हो गई है तो शादी की रस्म शुरू करें हम लोग। नौटंकी? मतलब आपको ये सब नौटंकी लग रही है? अरे मैं तो आपसे माफी मांग रहा हूँ और आप? आपके ही लड़के ने अभी मुझसे कहा डिंपल से दूर रहो, तुम्हारे मन में खोट है क्या? आई, ये डॉक्टर ने ही कहा मुझे डिंपल को परेशान मत करना। झूठ बोल रहा है ये। मैंने कब ऐसा कहा? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये झूठ बोल रहा है, और अगर बोला भी होता तो उसमें गलत क्या है बताइए। मुझे तो लगता है इस लड़की का और डॉक्टर साहब का जरूर कोई चक्कर है। देखिए, आपको जो भी बोलना है मुझे बोलिए, डिंपल को बीच में मत लाइए। आपको अब उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? अभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है इनके बीच? क्या मतलब है आपका? आप ये कहना चाहते हो कि हमारी डिंपल अच्छी लड़की नहीं है? अरे कौन है वो जो मेरी नातिन को भला बुरा कह रहा है? उसका तो मैं सारी फोड़ दूंगी। तेरे क्या चाल चलन है पता है हमें? खुद की जली और जंगल की आग बुझाने चली, ऐसी हालत है तेरी। ए डॉक्टर, हमारे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं, हमारे घर की बात है, हम देख लेंगे क्या करना है। मुझे तो लगता है लाला भैया अपने शादी करने के लिए पैसे लिए होंगे, इसीलिए आप चुप हो। अरे थोड़ा डिंपल के बारे में भी तो सोचिए। ए, तुझे बहुत डिंपल की चिंता हो रही है ना? क्या बोल रहा था तू मुझे? क्या बोल रहा था तू मुझे? धमकी कैसे दिया मुझे? ये क्या कर रहा है? हाथ हटाओ, कॉलर छोड़ डॉक्टर साहब का। मेहमान है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना वरना क्या? वरना अभी दिखाता हूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बच्चे। ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें जो करना है वो करने दो, लेकिन प्लीज आप ये शादी मत तोड़िए। मैं पैर पकड़ता हूँ आपके। चाहिए तो मारिए मुझे, लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिए। मारिए, नहीं डॉक्टर। अब बस हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तेरा और डिंपल का कुछ चक्कर चल रहा है ना, इसीलिए तुझे तकलीफ हो रही है। मंगल ताई, मेरी बच्ची और डॉक्टर साहब के बारे में कुछ गलत बोला तो देख लेना, मैं एक भी गलत बात नहीं सुनूंगी और मैं भी चुप नहीं रहने वाली। मेरे बेटे पर हाथ कैसे उठाया तूने? तू समझती क्या अपने आप को? अब तुझे दिन में तारे दिखाता हूँ एक ही गुस्से में। शुरू कीजिए। पंडित जी कहाँ चले गए? हमें अब इस घर में अपने बेटे की शादी नहीं करनी, हम भी नहीं करना चाहते। हाँ, डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे वो सच है, शादी के पहले ये हालत है, शादी के बाद जान ले लेंगे मेरी बच्ची की। जब देखने आए थे तब कितने सीधे थे ये लोग, लेकिन ऐसे तेवर होंगे ये पता नहीं था। अब बस हो गया, जिस घर में मेरी बेटी का सम्मान नहीं होगा ऐसे घर में मुझे मेरी बेटी नहीं ब्यानी। निकल जाओ यहाँ से, हम भी नहीं रुकना चाहते यहाँ। जाओ, चलो यहाँ से। सुनिए, चलो ले। बाबू, ये तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें।
सॉरी वो मैं गलती से, मेरा ध्यान नहीं था, मैं अपनी ही सोच में थी, सॉरी गलती से धक्का लग गया। ब्यूटीफुल। डॉक्टर मेरी माँ को सांस लेने में तकलीफ होती है, सुबह थोड़ी खराश थी लेकिन काफी देर तक खांसी रही और सांस लेते हुए भी गले से आवाज आती है, और आजकल थोड़ी सी घबराहट भी होती है, ऐसा लगता है कि मेरी सांसें हमेशा के लिए रुक तो नहीं गई। आप कुछ कीजिए ना डॉक्टर। सुन रहे हैं ना आप? सॉरी, बोलिए क्या हो रहा है आपको? सांस लेने में तकलीफ होती है उन्हें कभी कभी। फिक्र मत करना, मैं हूं ना। चलिए आपको चेक करता। सांस लीजिए। क्या हुआ डॉक्टर, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, अभी तो कुछ कहना मुश्किल है। एक हफ्ते तक रोज चेकअप के लिए इन्हें यहाँ लाना होगा। मैं 500 रुपए की कुछ गोलियां देता हूँ, वो लीजिए और देखिए अगर कुछ फर्क पड़ा तो। ये लीजिए, ये सुबह, दोपहर और शाम, और ये सुबह और शाम। कितने पैसे हुए? 700 रुपए, 500 रुपए गोलियों के और 200 कंसल्टिंग फीस। डॉक्टर बाकी बचे पैसे दे रहे हो ना? हाँ। डॉक्टर 300। सॉरी मेरे पास छुट्टे नहीं, मैं अगली बार फीस में एडजस्ट करूंगा। अब तो आती ही रहोगी ना क्लिनिक में? मेरा मतलब है माँ का इलाज करवाना है तो आना तो पड़ेगा ही। ठीक है डॉक्टर, चलती हूँ। हाँ चलो आई। Beautiful. डॉक्टर कुछ भी कहिए, आप हो तो बड़े शातिर। आपने मेरी शादी तुड़वाने के लिए बहुत कमाल का प्लान बनाया था। हाँ कितना आसान था ना, फिर ना क्यों बोल रहे थे? हाँ कितना जबरदस्त झगड़ा करवाया ना आपने डॉक्टर साहब, और वो नाम्या, उसने लड़की के पिताजी के गाल पे कितने जोर से थप्पड़ मारा था। और ऊपर से मेरी मम्मी, वो तो डैशिंग डॉन ही निकली, उस लड़के को कान के नीचे जोर से लगाया था, और वो लड़का अभी तक गाल मलता हुआ बैठा होगा वहाँ पर। और एक हमारी अज्जी, दिखता तो बिल्कुल नहीं उन्हें, लेकिन समय आने पे क्या कमाल कर देती है वो। किसी को पता ही नहीं चला कि ये सारी चीजें आप ही ने की है शादी तुड़वाने के लिए। मुझे तो बहुत मजा आया लेकिन। ए, बड़ी कहाँ छिपाई है, जैसा तुम चाहती थी मैंने सब किया, तुम्हारी शादी भी टूट गई है। अरे डॉक्टर साहब, लेकिन वो तो आपने मुझे पहले ही प्रॉमिस किया था ना। टिम्पल, बॉडी कहाँ छिपाई है बताओ। अरे लेकिन कितनी चिंता करते हैं डॉक्टर आप, मैंने बताया ना बहुत संभाल कर रखा है मैंने उसे, किसी को भी नहीं मिलेगी वो, यहाँ तक कि रेशमा भाभी के पति को भी नहीं। और इतनी जल्दी किस बात की है? मैं आपको सब बता दूंगी जब मेरा मन करेगा।
क्या हुआ? अरे दीदी, आपको मम्मी बुला रही है। क्यों? मुझे क्या पता, मम्मी ने कहा कुछ काम है। तुम ही पूछ लेना, मैं चलता हूँ। कुछ काम है उनका, जल्दी आना। ठीक है डॉक्टर, आती हूँ मैं। विजय भैया, भैया दरवाजा तो खुला ही है। विजय भैया भाभी, दरवाजा खुला छोड़कर लाइट बंद करके कहां चले गए दोनों? मोबाइल तो यहीं पड़ा है और घर की लाइट भी बंद कर रखी है। विजय भैया खून? अरे किसने मारा आपके सर पे? अरे किसने आपको? ये क्या है, आप रात भर यहीं पड़े थे, खून भी निकल रहा है। जिस किसी ने भी हमला किया ना आप पर, बस एक बार नाम बताओ आप, जिंदा गाड़ दूंगा एक ही घूसे में। लेकिन अभी आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूं। रुको बजा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे पर विजय भैया, कह रहे हो कुछ भी नहीं हुआ है आपको और दो कदम चल भी नहीं सकते। आपका फोन मैंने ले लिया, चलिए मेरे साथ। आज मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर, ऐसा लग रहा है एक राजकुमार ने मुझे पिंजरे से बाहर निकाला हो। ओ राजकुमार, मुझे सात समंदर पार ले चलोगे ना? बहुत अर्जेंट काम है डॉक्टर। क्यों बचा, क्या बात है? डॉक्टर जल्दी दवा खाने चलिए आप। क्यों? विजय भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्यों? किसी ने उन पर हमला किया है, उनको सिर पर जोर से मारा गया है। जिसने भी हमला किया है ना, बस वो मिल जाए, छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम चलो मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आइए। चिंता की कोई बात नहीं, जख्म ज्यादा बड़ा नहीं, दो दिन में घाव भर जाएगा। आइए ये गोलियां रात के खाने के बाद लीजिए, तकलीफ कम होगी। विजय भैया आपको कुछ याद है, घर में किसी को देखा था क्या? मतलब जब आप पर हमला हुआ तब घर में कोई और था क्या? रेशमा थी। और भी कोई था, मैं उसे ही ढूंढ रहा था और तभी किसी ने पीछे से हमला किया, शायद रेशमा ही थी। ये क्या, ये आप कैसी बात कर रहे हो विजय भैया? भाभी क्यों मारेगी आपको? शायद आपके सिर पर चोट लगी है ना, इसलिए याद नहीं आ रहा। विजय भैया आप फोन लगाइए ना उन्हें। अरे ये रहा आपका फोन मेरे पास है, ये लीजिए। बस वो कहाँ है मुझे इतना बता दो,
एक मिनट के अंदर ही यहाँ ले आऊंगा। एक क्या, आधे मिनट में ही। रेशमा का मैसेज। अपने पति के अत्याचारों से परेशान होकर मैं खुदकुशी कर रही हूँ। बहुत तकलीफ दी है उन्होंने मुझे, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ। ये क्या कर रही हो रेशमा? लगाइए, जितना चाहे फोन लगाइए अपनी रेशमा को, अब उसका फोन कभी नहीं लगेगा। क्या हुआ विजय भैया? रिंग जा रही है, फोन नहीं उठा रही है वो। गुस्से में आकर भाभी ने कहीं अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया? नहीं नहीं नहीं, विजय भैया चलिए हम फौरन पुलिस स्टेशन चलते हैं और जाकर कंप्लेन लिखवाते हैं। चलिए जल्दी से, चलिए विजय भैया। आप अगर जेल जाना चाहते हो तो आप जरूर पुलिस स्टेशन जाइए। मिस्टर विजय, पुलिस स्टेशन जाकर क्या कहने वाले हो? मेरी बीवी मुझसे परेशान होकर खुदकुशी करने चली गई। वो भाग नहीं गई है, खुदकुशी करने गई है। आपने उनकी रिपोर्ट लिखवाई और वो मिली नहीं तो पुलिस आप पर शक करेगी। और ये वीडियो, अगर गलती से भी ये पुलिस के हाथ लग गया ना तो हमेशा के लिए जेल में सड़ना पड़ेगा। देखिए अब मैं क्या कह रहा हूँ, शांति से सुन लीजिए। हम आज की रात इंतजार करते हैं, वो आ गई तो ठीक है, नहीं तो कल देखते हैं क्या करना है। आप ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब। विजय भैया आप चलिए, घर चलते हैं, चलिए। एक मिनट, आप कुछ भूल रहे हो। क्या? दवाइयां। दवाइयों की बात कर रहे हो, मुझे तो लगा कुछ और बोलने वाले हो आप। विजय भैया चलो चलते हैं। मैं चलूं? चलिए। अरे मम्मी देखो, दीदी ने नया मोबाइल लिया है, ये देखो, ये लो। डिंपल कहाँ से लाई ये मोबाइल? पैसे किसने दिए तुझे? कहाँ से लाई है? मैं क्या पूछ रही हूँ, बोल जल्दी से। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी ना, बोल मम्मी। नहीं, बोल जल्दी, बोल कहाँ से लाई तू मोबाइल। मैंने तुम्हें मेरा फोन दिया था, कहाँ है वो? आपका फोन? हाँ मैंने उसे दिया था, गलती से उसी के पास रह गया। डिंपल ये पहले क्यों नहीं बताया कि ये डॉक्टर साहब का फोन है? फोन दे रही है ना। डिंपल मेरे कमरे में आना, तुमसे बात करनी है। अच्छा हुआ डॉक्टर आप ऐन वक्त पर आ गए थे, नहीं तो आज मेरी पोल खुल जाती। मेरी ही क्या, आपकी भी सारी पोल खुल जाती। और रेशमा भाभी का फोन अगर उन्हें मिल जाता ना तो। दरवाजा क्यों बंद किया आपने? खड़ी हो जाओ। क्या है डॉक्टर, आपकी तो मैं। कंपाउंडर, डॉक्टर, डॉक्टर, ए कंपाउंडर, दरवाजा खोल। कंपाउंडर, मंगल पूछ उससे। डॉक्टर, डॉक्टर वो है ना? क्या बात है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी लड़की कहाँ है कंपाउंडर? कहाँ है मतलब? वो सुबह से कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। कल रात को आपके पास आई थी ना वो? हाँ आई तो थी, लेकिन थोड़ी देर बाद की और वो फौरन निकल गई।
चली गई है मतलब? कहाँ है वो? अब वो कहाँ है ये मैं कैसे बता पाऊंगा आज ही? यहाँ भी नहीं है मतलब? शादी टूट गई इसलिए कुछ कर तो नहीं लिया अपने आप को? मंगल टाइप, डिंपल ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी, आप फिक्र मत कीजिए। यहीं कहीं गई होगी वो। इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे तो डर लगने लगा है। सोचा था बेटी की शादी हो जाएगी, खुशी से गृहस्थी चलाएगी, बताइए कहाँ होगी मेरी डिंपल? मंगल रोना नहीं है, यहीं कहीं होगी वो, चल हम ढूंढते हैं उसे। चल आजी वो चले गए। तू मुझे मत बता, पता है मुझे हमारी लड़की को ढूंढे बगैर चैन नहीं मिलेगा हमको। ये पागल लड़की कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी करेगी? ये रही गोली, सुबह दोपहर और शाम को तीन वक्त लेनी है, 150 रुपए। डॉक्टर डिंपल कहीं दिखाई नहीं दे रही? नहीं वो आज नहीं आई यहाँ पर, आप जाइए। बोलो बजा। हेलो डॉक्टर, कल मैं और विजय भाई आपके यहाँ से निकले, फिर रात भर भाभी को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर मैंने विजय भैया को घर छोड़ा और मैं अपने घर गया। सुबह लौटकर देखा तो विजय भैया सुबह सुबह शराब पी रहे थे, बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं डॉक्टर। मैंने कुछ कहने की कोशिश की पर मेरी बात ही नहीं सुन रहे। आप जरा उनके बंगले पर आ सकते हैं क्या? मैं अभी कैसे आ सकता हूँ, क्लिनिक में बहुत पेशेंट है। ठीक है आप बाद में आइए, तब तक मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। अरे नहीं ऐसा मत करो, एक काम करो तुम उन्हें यहां ले आओ। ठीक है। इंस्पेक्टर देशमुख। मंगल, ए भगवान क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं। अरे बाप रे टोनी, मिली क्या वो? नहीं मिली मम्मी, पूरे गांव में ढूंढा उसे लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ए भगवान, फिर से मुंबई भाग गई होगी। नहीं दीदी मुंबई नहीं गई होगी, अगर वो गई होती तो उनके कपड़े बैग ये सब वो लेकर जाती थी, कम से कम मेकअप का सामान तो वो लेकर ही जाती थी, उसके बगैर वो रह ही नहीं सकती। लेकिन सामान तो कमरे में ही है। ठीक ही बोल रहा है टोनी, कभी कभी अकलमंदी की बात करता है। उस कंपाउंडर ने उसे छुपाया होगा, वो जरूर जानता होगा कि हमारी डिंपल कहाँ पे है। डॉक्टर आपकी तो मैं हमारी लड़की कहाँ है कंपाउंडर? क्या मतलब कहाँ है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। ये लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? ने डिंपल मिल गई या फिर रेशमा की डेड बॉडी? बाबू भाई इतनी हड़बड़ी में कहां चले, डिंपल मिल गई क्या? नहीं ना, उसका कोई पता नहीं चल रहा इसलिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अगर पुलिस ने डिंपल को ढूंढ लिया तो वो पुलिस को रेशमा के बारे में सब बता देगी। नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। बाबू भाई तुरंत पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? तो फिर वो कैसे मिलेगी डॉक्टर? अरे बाबू भाई वो आप पर नाराज होगी इसलिए किसी सहेली के यहाँ गई होगी, आ जाएगी आप फिक्र मत कीजिए। अगर फिर भी नहीं आई तो पुलिस स्टेशन जाइए,
चाहो तो मैं भी चलूंगा आपके साथ। वो मिल तो जाएगी ना डॉक्टर। मैं हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं ढूंढता हूँ उसे। आप लोग घर जाइए। कैसे भी करके इस डिंपल की बच्ची को ढूंढ निकालना होगा, लेकिन ये लड़की गई कहाँ? डॉक्टर आप कहीं बाहर जा रहे हो क्या? ठीक है, मैं बाद में ही आती हूँ। नहीं ठीक है, आओ आओ बैठो। अब माँ की तबीयत कैसी? हमेशा की तरह डॉक्टर, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी, मैं हूँ ना। देखो ये दवाइयाँ मंगाई थी उनके लिए। डॉक्टर क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी दोस्त की डिंपल की शादी टूट गई, उसी का असर है शायद। इस घर को अपना घर, यहाँ के लोगों को भी मैं अपना समझता हूँ। एक भावनिक रिश्ता जुड़ चुका है इनसे, इसीलिए इस घर में कुछ भी बुरा होता है तो मुझे उससे तकलीफ होती है। बल्कि इसी घर में ही क्यों, किसी दूसरे की जिंदगी में भी कुछ बुरा हो रहा हो तो वो मुझसे देखा नहीं जाता। डॉक्टर आप लोगों के बारे में कितना सोचते हो। किसी के चेहरे की मायूसी मुझसे देखी नहीं जाती। अगर डिंपल की शादी नहीं हुई तो क्या होगा उस बेचारी का? आप फिकर मत कीजिए डॉक्टर, कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा डिंपल के लिए। तुम करोगी मदद लड़का ढूंढने के लिए? लेकिन डॉक्टर प्लीज ना मत करना। वो क्या है, मैं इस गांव में किसी को जानता नहीं, अगर तुम साथ हो तो। ठीक है मैं जरूर करूंगी आपकी मदद। थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, माँ से कहा था दवाइयाँ लेकर आऊंगी, इंतजार कर रही होगी, चलती हूँ। कितने पैसे हुए डॉक्टर? 1000 रुपए। थैंक यू डॉक्टर। कितनी प्यारी लड़की, एकदम रेशमा जैसी। रेशमा, रेशमा की डेड बॉडी। डिंपल को ढूंढने से पहले रेशमा की डेड बॉडी कहां छिपाई है उसे ढूंढना चाहिए। इसी घर में कहीं छिपाई होगी, लेकिन कहां? छिपाई होगी बॉडी? कौन है वहां पे? अरे कौन है? अब से पूछ रही हूँ कौन है? अरे तुम्हारी जुबान कट गई है क्या? अरे कौन है? कंपाउंडर तू है क्या? अरे बोल ना। ए कंपाउंडर, कंपाउंडर, कंपाउंडर तुम ही हो ना? मम्मी दीदी आ गई, दीदी आ गई, पापा पापा दीदी आ गई, दीदी आ गई। डिंपल, डिंपल कहाँ चली गई थी तू? कितना ढूंढा तुझे हमने। डॉक्टर अच्छा आप यही मिल गए, यहाँ इस वाड़े में ही हुआ था सब? हाँ साहब, इस वाड़े में ही हुआ है सब कुछ। चाहे तो आप डॉक्टर साहब से भी पूछ सकते हैं।
डॉक्टर, मैंने साहब को सब कुछ सच बता दिया है, अब आप भी उन्हें सब कुछ सच सच बता दीजिए। मैंने वो साहब, आप चाहें तो मेरे घर वालों से भी सब कुछ पूछ सकते हैं, उन्हें भी सारी चीजें मालूम है।